राज्यरे आईएएस स्तररे अदल बदल वरिष्ठ आईएएस को अतिरिक्त दायित्व नहीं विज्ञप्ति प्रकाश। चित्रा अरुमुगम को श्रम और ईएसआई विभाग प्रमुख सचिव भाव दायित्व दिजाई। इंद्रमणि त्रिपाठी हेले श्रम कमिशनर, जामिनी षडंगी हेले सिटी जीएसटी कमिशनर, सुधांशु मोहन सामल को ओएमसी परिचालना निर्देशक दायित्व मिली। त्रिलोचन माझी को गृह विभाग अतिरिक्त सचिव भाव दायित्व दिजाई। सिद्धार्थ दास को समवाय समितर रजिस्ट्रार भावे अतिरिक्त दायित्व प्रदान करा। मोनिका प्रियदर्शन को जीविका मिशन निर्देशिका भावे दायित्व दिया जाए छी। राज्य कैबिनेट बैठक में दुईट प्रस्ताव को अनुमोदन। विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन प्रस्ताव को अनुमोदन सहित शिल्प नीति 2015 दुईट संशोधन को अनुमोदन मिली। ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 संशोधन प्रस्ताव को ओडिशा राज्य कैबिनेट अनुमोदन करी। विश्वविद्यालय शिक्षक निजुक्ति प्रक्रिय उन्नति आणवा, अधिक स्वायत्तता सहित विश्वविद्यालयगुड़ी सशक्त करने तथा उत्तर दायित्व बजाय रखा और अध्यापक निजुक्ति और कुलपति चयन प्रक्रिय एकाडेमिक प्रोफेशनल मानंकु जड़ित करा। शिल्पनीति 2015 दुईट संशोधन को अनुमोदन करिछंति कैबिनेट। विभिन्न प्रोत्साहन एवं प्रमाणपत्र विषय अज्ञता कारण अनेक क्षेत्र में शिल्प संस्था आवेदन पत्र दाखल करिबारे विलंब हुए। कोविड 19 महामारी द्वारा सृष्टि होइतिबा परिस्थिति को मध्य विचारक नहीं शिल्पनीति 2015 अधीन समस्त प्रकार प्रोत्साहन एवं प्रमाणपत्र आवेदन दाखल करिबार समय सीमा को 1 वर्ष रु 2 वर्ष पर्यंत वृद्धि करने को अनुमोदन दिया जाए छे। 2 वर्ष रु अधिक विलंब पर मुख्य शासन सचिव स्तर में विचार करवस्था कर 30 जून 2023 मध्य दाखल करते जोने अजोग्य होते से दरखास्त योग्य आवेदनकारी भाव में पुनः विचार कर। 2टा प्रस्ताव उपस्थापन करा जाई थिला और 2टा प्रस्ताव को मध्य मंत्रिमंडल अनुमोदन करिचंती। प्रथम प्रस्ताव थिला शिल्प विभाग द्वारा जो शिल्प नीति 2015 अच्छी सेठी संशोधन करा जाई छी। यही शिल्प नीति रा अधीन रे शिल्प गुड़िका को प्रोत्साहन दिया जाउची जेतु अज्ञानता द्वारा किंबा कौन सी कारण पर द्वारा से समय रे तांका आवेदन करी पारु न थिले। एथिपाई जो समय सीमा तांका थिला उत्पादन परे तांको गोटे वर्ष भितरे सबू प्रोत्साहन पाई आवेदन करिबार थिला सेटा 2 वर्ष कराए। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलंतु नहीं।